भिंड जिले के महगांव सीट से भाजपा प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया के भतीजे रिंकू भदौरिया पर एक महिला पुलिसकर्मी ने पोलिंग बूथ पर अटैक करने का आरोप लगाया है। महिला पुलिसकर्मी ने कोरमी थाना प्रभारी पर एक कॉल पर ना पहुंचने और दूसरी बार पहुंचकर गुमराह करने का भी आरोप लगाया है। महगांव विधानसभा के पोलिंग बूथ क्रमांक 32 महुआ की चौकी का मामला बताया जा रहा है। थाना प्रभारी को बुलाया, ऐसी आवाज मिली, जब मॉक पोल होता है तो लोगों को शंका हुई कि डंपिंग हो रही है। तो मैंने कहा श्रीमान जी फोन आ रहा है कि डंपिंग हो रही है, वहाँ पर कुछ फोर्स बोझो और मैं भी जो है ना क्या नाम पूछते करौलिया से मैं दौड़ के आया, इधर नहीं आया, काफी देर इंतजार रहा और वो मॉक पोकिंग वाली बात निकली, डंपिंग वाली मिथ्या निकली। उसके बाद में मैं अन्य जगह से आया तो दोबारा रिंकू भदौरिया ने अटैक किया, तब फोन किया मैंने किसको, दरोगा जी को, राजपूत साहब को, टीआई साहब को, टीआई साहब को। उस समय भी नहीं आए और अभी भी आए तो अभी बोले तुम वहाँ तो वहाँ जमे क्यों हो, तुम हट जाओ दूसरी जगह पे। और वो लोग हमें हटाने के लिए कहीं किसी से फ्रॉड फोन करवा रहे थे, कहीं किसी से ये बात है। मतदान हो रहा था और फर्जी मतदान से एक बच्चा मैंने यहाँ पे देखा, तो उससे मैंने पूछताछ करी तो उसने अपने बाप का माँ का नाम नहीं बता पाया, अपना नाम निखिल बता रहा था। तो मैंने उसका पर्ची ले ली थी और रख ली थी अपने पास और मैंने कि बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ और बाद में हम तुम्हें छोड़ेंगे, उसे यहाँ तक कह दिया था। फिर वो लोग भीड़ बना के आए हमें धौंस देने के लिए। बाद में इन लोगों ने फोन किया, केपी को बुलाया, केपी हमको कहते हैं धौंस देते तुम निकल के यहाँ से बताओ कौन है केपी, और यहाँ को टीआई साहब को भी बोला और फोर्स से, और जब फोर्स दूसरा भी फोर्स हमारा आ गए साहब आ गए तो उनके साथ में जो लड़का था उनकी राइफल छुड़ाने की कोशिश